नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। केंद्र मंत्री और पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना आने वाले हैं। 16 अगस्त को वो पटना आ रहे हैं और इस मौके पर जदयू की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जदयू कार्यालय के आगे एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ साथ और जदयू के अन्य नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आ रहे हैं। इस मौके पर अब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस पोस्टर को बनाए हैं उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, हम लोग के पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जी, और अभी माननीय राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होना है। आपने जो संज्ञान में दिया है कि पोस्टर जो लोग लगाए हैं प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, निश्चित रूप से जो उन पदाधिकारी हमारे दल के पदाधिकारी पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखिए। ये अभय कुशवाहा जी विधायक भी रह चुके हैं, आपकी पार्टी से लगातार जुड़े हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं ना, उसको तो हम ये चीज़ की हम जानकारी लेंगे, इसका जो हमारे संज्ञान में आया है इस चीज़ को जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है, कोई सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं, लेकिन जो पोस्टर का कोई मामला है तो उसका जानकारी हम लेके निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे, प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखेंगे। इसमें कहीं किसी ने भूल किया है, चूक किया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सुधार आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लोग लगाते थे आरजेडी पे, वो तो चीज आपके यहाँ दिख रही है कि अभी मेरे संज्ञान में नहीं, अभी संज्ञान में आया है तो संज्ञान में मैंने तो स्पष्ट कहा है कि संज्ञान में आया है इस तरह की बात है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है तो निश्चित रूप से हम उस पर एक्शन लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि उमेश कुशवाहा ने साफ तौर से ये कह दिया है कि जो भी इस पोस्टर को बनाए हैं उस पर कार्रवाई की जाएंगी, क्यों वो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को आखिर जगह क्यों नहीं दिया। आरसीपी सिंह पटना आने वाले हैं और इस मौके पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग जगह पे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला विवादित बनता जा रहा है और लगातार अन्य नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी दी जा रही है कि आखिर ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें क्यों नहीं जगह दी गई। क्या आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जो रिलेशन है, जो उनके संबंध हैं, अच्छे नहीं हैं इसलिए उन्हें जगह नहीं दी गई, या इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है। लेकिन उमेश कुशवाहा ने इसे साफ कर दिया है कि ये गलती है और जो भी ये गलती किया है उस पर जल्द ही कार्रवाई भी की जाएंगी। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।